वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए रशियन शॉटगन ओवर अंडर TOZ-34 का रिव्यू, TOZ-34 का रिव्यू। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये 1970s की ओवर अंडर है जो कि रशिया ने, सोवियत यूनियन ने बनाई थी, और इसका मॉडल है TOZ-34। इसके पीछे देख सकते हैं तो ये लिखा हुआ होता है मेड इन रशिया। ये डबल ट्रिगर ओवर अंडर है। वैसे तो आजकल जो ओवर अंडर आ रही हैं वो सिंगल ट्रिगर आ रही हैं जो कि एक ही ट्रिगर से दोनों ऑपरेट होती हैं और साथ उनके डिफरेंट चोक्स भी होती हैं, बट इसकी फिक्स चोक्स हैं जो ऊपर वाली है दैट इज फुल चोक और नीचे वाली है दैट इज हाफ चोक, और इट्स एन इजेक्टर ओवर अंडर। जो आजकल भी जो नई आती हैं वो कुछ इजेक्टर होती हैं और कुछ नहीं होती, क्योंकि इजेक्टर होना इज इसकी करेक्टरिस्टिक। बट आप ये देखें कि जो रशियन उस जमाने का वेपन है उन्होंने ट्रिगर दो दिए हैं बट उन्होंने साथ इजेक्टर जरूर दिया है। ये TOZ-34 MPA 65 इसका मॉडल है और वेरी लाइट वेट, वेरी रिलायबल, क्योंकि जब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ये तब से काफी पहले की पहले का ये हथियार है, और तब से जैसे नया ओवर अंडर्स का दौर स्टार्ट हुआ था ये तब खरीदी गई थी और तब से ये चल रही है। और आप इसकी मेटलर्जी देखें अभी तक, कि अभी तक इसकी मेटल को ऐसे लगता नहीं है कि ये इस्तेमाल भी हुई हो, कि इतनी खूबसूरत इसकी मेटलर्जी है, जिसको कहते हैं ना रिलायबिलिटी। रशियंस रिलायबिलिटी में तो मार नहीं खाते बिल्कुल भी। और इसका वेट भी, क्योंकि मेरे पास दो एक और भी ओवर अंडर्स हैं बट उनका वेट इसके लिहाज से बहुत ज्यादा है। मैं अभी आपको इसको वेट भी करके दिखाऊंगा कि इसका रशियन ओवर अंडर का भी वेट इसका टोटल कितना है। तो इसका 3200 ग्राम्स का वेट है, मतलब कि 3 किलो 200 ग्राम। 3 किलो 200 ग्राम में आप दो कारतूस डालें तो 3 किलो 300 ग्राम इसका टोटल वेट होगा, जो कि बहुत एक लाइट वेट और बड़ी कॉम्पैक्ट ये साइज है, वेरी इजी टू मूव और एकदम आप इसको एम भी कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इट्स 28 इंचेस बैरल, डिफरेंट आती हैं बट ये 28 इंचेस है, और इसकी ज्यादा खोलने की लंबी चौड़ी मैकेनिज्म नहीं है। इसके यहाँ पे एक लेवर लगा होता है, इसको आप नीचे करते हैं इस तरह करके, और फिर आप इसको इस तरह करके ये दो हिस्सों में डिसअसेंबल हो जाती है। ये इसकी इजेक्टर मैकेनिज्म है, ये आप इसकी बैरल भी देख सकते हैं अंदर से अगर आपको नजर आए तो, ये आप ये देख सकते हैं। साथ इसके थोड़ी बहुत इस पे इंग्रेविंग भी हुई हुई है जो कि हैंड इंग्रेविंग है, मशीन इंग्रेविंग नहीं है। एक इसके यहां पे छोटी सी इंग्रेविंग हुई होती है, एक इसकी ये ग्रिप पे जो अच्छी ग्रिप बनाई हुई है इन्होंने वुडन, फिर इसकी थोड़ी सी इधर इंग्रेविंग है, थोड़ी सी इधर इंग्रेविंग है, थोड़ी सी इधर है, फिर थोड़ी सी ट्रिगर गार्ड पे, और ये सारी हैंड इंग्रेव्ड है, मशीन इंग्रेव्ड नहीं है, क्योंकि ये इंग्रेविंग खुद ही बताती है कि कौन सी हैंड इंग्रेव्ड है और कौन सी मशीन इंग्रेव्ड है। इसके अंदर सेफ्टी का भी ऑप्शन आता है, ये पीछे इसकी सेफ्टी होती है जो कि लॉक कर देती है इसको। बाकी आप इसकी फायरिंग पिन इस तरह हैं, ये वाला भी खुल जाता है कंपार्टमेंट बट उन्होंने कोई इतना इजी ऑप्शन नहीं दिया इसको खोलने का, क्योंकि इसके यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं चार जिसकी तरह से ये जुड़ी हुई है, तो इसको खोलने की ज्यादा जरूरत और कभी जरूरत भी नहीं पेश आई ना ही वैसे, क्योंकि जो दूसरी जो बेकाल की अगर हम बात करें वो है, वो भी रशियन, बट बेकाल की बनिस्पत ये अगर देखें बेकाल है थोड़ी मोटी, बेकाल इज लाइक ब्रॉड, वो भी मैंने उठाई है, और ये वाली इट्स स्लिम कॉम्पैक्ट लेस इन वेट और मोर ऑफ यूज, क्योंकि इससे बड़ा अरसा शिकार किया और ये इसने आज तक धोखा नहीं दिया, मतलब कि बेहतरीन ये हथियार रहा है। और रशियंस वैसे भी बड़ा रिलायबल वेपन बनाते हैं, खूबसूरती पे कम फोकस करते हैं, मोर इनटू रिलायबिलिटी एंड मेटलर्जी। तो ये था आज आपके लिए रशियन शॉटगन ओवर अंडर का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा। We'll